में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है काले चने और आलू मसाला बनाना बता रही हूँ आपको। जो आप मेन डिश होती है जो वो वाली बनाऊँगी। ये देखिए, ये काले चने थे, मैंने 250 ग्राम काले चने लेके इसको रात भर भिगो दिया, 8 से 10 घंटे भिगोना। अब इसको हम उबालेंगे कुकर में, इसमें डालते जो पानी में भिगोया वो वाला पानी भी इसमें यूज़ करेंगे। इतना पानी है, थोड़ा सा और डालेंगे। जब हाई फ्लेम पे इसको करेंगे, जब एक विसल आ जाएगी उसके बाद आधा घंटा हम इसको मीडियम में रख के इसको पकाएंगे ताकि हमारे चने अच्छी तरह से उबल जाएँ। तो अब हमने रख दिए, जब एक विसल हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा इसको हम मीडियम में करके, मीडियम लो पे करके आधा घंटा तक इसको पकने देंगे। जब हमारे चने पक जाएंगे मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँ। आधा घंटा चने उबाल लिए थे और ये देखिए बिल्कुल ऐसे गल जाने चाहिए, ये देखिए बिल्कुल गल जाए। इसमें नमक नहीं डाला मैंने और जो इसका पानी बचा था वो भी रख लिया। तो हम मैं आलू चना मसाला बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये देखिए लिए, मैंने ये तला हुआ प्याज है, हम डेकोरेशन में डालेंगे, और एक नींबू है, और थोड़े से बेबी पोटैटो है, ये मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए उबाल के इसको। ये आप अगर बेबी पोटैटो ना हो तो आप दूसरा आलू भी लेके उसको उबाल के उसको काट के इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा हम मसाला बनाएंगे, उसमें एक प्याज और एक टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, स्पून तेल डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा 1 से 2 मिनट भून लेते हैं, फिर आगे का मसाला डालेंगे। फ्रेंट हो गया, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने 250 ग्राम चने लिए थे, तो इसमें 1 चम्मच तेल भी डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इसमें भून जाएगा तो फिर हम एक हरी मिर्च और एक बड़ा टमाटर कटा हुआ वो भी डाल देते हैं। इनको भी 1-2 मिनट भून लेते हैं। मसाला भून चुका है ऑलमोस्ट सारी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च लाल, और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये मैं जीरा पाउडर डालेंगे 1/6 टेबल स्पून। नमक अभी हम बाद में डालेंगे, और इसको भून लेते हैं, और ये हम थोड़ा सा पानी जो बचा था वो डाल देते हैं। देखिए हमारा मसाले में तेल छोड़ना शुरू कर दिया, और ये मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें चना मसाला पाउडर डाल दूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और हम इसमें ये जो हमारे पास उबले चने हैं वो डाल देते हैं। इस स्टेज में आप इसमें उबले आलू और तले हुए प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालूँगी। अभी हमने नमक नहीं डाला, अभी इसको 1-2 मिनट भूनते हैं, फिर इसमें हम 1 टीस्पून के करीब नमक डालते हैं। ये बड़ी यूनिक रेसिपी है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको 1 मिनट भून के फिर मैं एक मिसल इसको कुकर में लगाऊंगी, फिर मैं आपको इसका हमने भूनना कि चनों में चमक सी आ गए। तो हमारे पास 1 कप पानी जो उबला चने उबाले थे उसका बचा था वो भी डाल देते हैं। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप और भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन अब मैं ये वाले चने इसमें कुकर में डाल के एक मिक्सर लगाऊंगी, फिर मैं आपको ये पानी डाल दिया। और ये इतना ही होना चाहिए कि मैं इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही, तो लटपटे से रखूँगी। तो अब हम इसको एक मिक्सर लेते हैं, तो एक मिक्सर देने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने 1 से 2 विसल लगा दिए कुकर में, तो मैं अब इसको खोल के देखती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इतनी ग्रेवी चाहिए थी और इतनी ही है, तो अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारी ये बनकर तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दिया। अब ये मेरे पास जो आलू है बॉयल करके मैंने थोड़े से फ्राई करे हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप उबले हुए आलू
इसमें भी ऐड करके एक विसल लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे डालूंगी। खाते टाइम इसमें मिक्स हो जाएंगे जब हम सर्व करेंगे। हमारे पास जो प्याज है फ्राई किए हुए वो भी हम डाल देंगे इसमें। ये हमारे चना आलू मसाला बनकर तैयार है, ब्लैक चना। और आप चाहें तो इसमें दो हरी मिर्च रख सकते हैं। आप इसको चावल रोटी किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप वैसे भी खा सकते हैं। देखिए हमारा ये ब्लैक चना आलू मसाला बनकर तैयार है। ये आप बनाइए, ये मेन डिश है, बनाइए खाइए, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। ये आप चने तो आप बनाते होंगे लेकिन इस टाइप से बनाएंगे, बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।